हेलो फ्रेंड, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मस्कलिया रेसिपी, उड़द दाल की मस्कलिया बकरा ईद स्पेशल। हम आपके साथ शेयर करेंगे मस्कलिया रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये यूपी की फेमस रेसिपी है, दावतों में बनती है। आज हम घर पे ही बनाएंगे दावतों के जैसा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दाल को और नाइट भिगो लिया था। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, अगर भिगो लेंगे जल्दी से अच्छे से गल जाएगा। हम डाल देंगे अपने उड़द को कुकर में, साथ में ही हम पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने एक गिलास पानी ले लिया है। साथ में ही हमने 8 से 10 हरी मिर्च ले लिया है, 2 से 3 प्याज ले लिया, 2 से 3 टमाटर स्लाइसेस में कट कर लिया है, उसको भी डाल देंगे। साथ में कुछ साबुत मसाले ले लेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 इंच लकड़ी का टुकड़ा, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1/2 टीस्पून सौंफ। साथ में थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, हमने लगभग 2 गिलास पानी ऐड कर लिया है। हम 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालते हैं, इससे क्या होता है हमारी मस्कलिया का बहुत अच्छा कलर आता है। साथ में ही हम नमक ऐड कर देंगे, हमने 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। साथ में प्रेशर लगा लेंगे, पहले 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर रखे हुए, फिर 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जब एकदम अच्छे से सीटी निकल गई तो हम अपने दाल को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से कुक हो चुकी है, अच्छे से गल गई। क्या करें, कलछे की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे अपनी दाल को, अच्छी तरीके से मैश करेंगे। आप देख सकते हैं जितने अच्छे से हमारा गोश्त और दाल मिक्स होगा उतनी ही टेस्टी हमारी मस्कलिया रेडी होगी। हमने मिक्स कर लिया, साथ ही हमने मटन ले लिया, लगभग हमने 1 kg मटन ले लिया। अच्छे से 2 से 3 पानी से धुल लिया। मटर को हम कुकर में ऐड कर देंगे। हमने दाल को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ मसाले ले लेंगे, हमने 4 लौंग, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 2 इंच लकड़ी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा हमने जावित्री क्रश करके ले लिया है, सब डाल देंगे। टमाटर डाल के फाइन सब पेस्ट बना लेंगे। अब हम मटन में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। हमने लगभग 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, हमने 1/2 टीस्पून करके 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। साथ ही 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हमने जो फाइन सा पेस्ट बना लिया था उसको भी डाल देंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून भर के हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हमने लाल मिर्च पहले ही मसाले में पीस लिया था, अब हम तेल ऐड कर देंगे। हमने लगभग 150 ग्राम तक तेल ऐड किया है, अब अपने हम कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से कुक कर लिया है। पहले हमने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक किया है, अभी 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक किया। आप देख सकते हैं हमारा मटन एकदम अच्छे से कुक हो गया है। अब हम जितना ड्राई पानी है ड्राई कर लेंगे। हमने थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी पुदीने के पत्ते भी ऐड कर लिए हैं, एकदम बारीक बारीक कट कर लिए। अब हम सारे पानी को ड्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने पानी को ड्राई कर लिया। अपने हमने जो दाल कुक करके रखा था उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने मसाले को अपने भून लिया, हमारा तेल सरफेस पे आ गया है। अब हम दाल अपने साथ में ही ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से चलाते हुए कुक करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे गोश्त और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी के साथ हम जीरा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। जब हमारा अच्छे से बॉईल हो जाएगा, जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है हमारे मस्कलिया का टेस्ट दोगुना हो जाता है। हमने भून के जीरा काली मिर्च को पीस लिया था, उसको डाल देंगे। आप देख सकते हैं बॉईल हो चुका है, हमारे लगभग हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल किया है। अब हम तड़का लगा लेंगे। हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है, हमने लगभग 2 प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है, तो उसको भी फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं चलाते हुए अपने प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी पॉइंट पे हम इस फ्राई को दाल में ऐड कर देंगे।
आप देख सकते हैं हमने फ्राई को दाल में ऐड कर दिया, हमारी मसकलियाँ रेडी हो चुकी है, हमारी उड़द दाल।